हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई देखिए 13.5 इंचेस, चौड़ाई इसकी 10 इंचेस, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्महोल की लंबाई 5.5 इंच है, 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर दीजिएगा। दोनों मार्क को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं 10.5 इंच 10.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मार्क करके बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच का हम देखिए कॉर्नर से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे गले का डीप रहेगा। तो देखिए अब इसकी डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे तो मैं मटका शेप में मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए ब्लाउज़ की कटिंग कर दिया है। अब इसके साथ में हम मैंने ब्लाउज़ ले लिया, सॉरी अस्तर की कटिंग कर दिया। ब्लाउज़ के गले की भी सेम कटिंग कर देंगे। तो ब्लाउज़ और अस्तर के गले की कटिंग हो चुकी है। दोनों कपड़ों को बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो वीडियो में आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग करूँ। इस तरीके से बराबर करते हुए पूरे गले को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा अच्छे से गले की स्टिचिंग कर दिया। अब गले पे छोटी छोटी कट लगाएंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन एंड शेप एंड साइज़ बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। तो मैंने देखिए पूरा गले पे छोटी छोटी कट लगा दी। अब इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो चुका है। इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए गले पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने फिनिशिंग की स्टिचिंग पूरा गले के अच्छे तरीके से कर दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए साइड से सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की कर दिया। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में टक्स को स्टिच कर लीजिएगा। एक साइड से टक्स मैंने स्टिच कर लिया, सेम दूसरे साइड से भी करेंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक ले लिए। इसको बराबर करते हुए ब्लाउज के साथ में पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने ब्लाउज के साथ में फैब्रिक को पूरा स्टिच कर दिया। इसको बराबर में फैलाएंगे और एक सिलाई लगाते हैं। इसके ऊपर से पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने नीचे का बॉर्डर पूरा ब्लाउज का बना दिया है। अब गले पीस के डिज़ाइन करके दिखाना है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिज़ाइन इस पर बना के दिखाती हूँ। तो ब्लाउज साइड करके मैंने देख लीजिए डिज़ाइन बनाने के लिए एक पट्टी ले ली है। स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग किया। इसको पहले इस तरीके साइड से फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। तो इस पट्टी से मुझे पाइपिंग करना है। तो मैं आज आपको एक अलग तरीके से पाइपिंग करके दिखा रही हूँ। फैब्रिक थोड़ा मोटा था इसलिए मैं सिंगल लेयर में ले रही हूँ। इसको साइड से पूरा देखिए मैंने स्टिच कर लिया था। अब ब्लाउज़ ले लिए, ब्लाउज़ के गले पे बिल्कुल बराबर करते इस पट्टी को। जिस साइड से स्टिच नहीं किए हैं फोल्ड करके उस साइड से पूरे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए पाइपन की पट्टी पूरी गले पे स्टिच कर दिया। अब इसको राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये देख लीजिए मैंने पाइपिंग की पूरी स्टिचिंग कम्प्लीटली गले पे कर दी है। अब डिज़ाइन करना है तो इसको साइड करके मैंने देखिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट कर दी। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने 2.2 इंच रखी है। 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करके स्टिच कर देंगे नीचे के साइड से डिज़ाइन को। तो जितनी सारी डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन को इसी तरीके से बना के स्टिच करना है। तो कुछ मैंने देखिए आपको ये बना कर दिखा दी, आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आप पूरा बना लीजिएगा। तो ये से मैंने कुछ और बना रखे हैं, देख लीजिए। इनको साइड करके ब्लाउज़ ले लिए। ब्लाउज़ के गले पे बिल्कुल बराबर में थोड़ा सा पाइपिंग से दूरी रखते हुए गैपिंग रखेंगे 1/2 इंच का और इसके बाद पूरा स्टिच करेंगे डिज़ाइन को। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डिज़ाइन को कैसे बराबर करते स्टिच करें। इसे कर दीजिएगा पूरा। तो मैंने ये देख लीजिए पूरा डिज़ाइन अच्छे तरीके से गले पे स्टिच कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको डेकोरेट करना है तो डेकोरेशन के लिए लेस ले लिए। लेस को जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किए उसी के ऊपर रखते हुए पूरा स्टिच कर लेते हैं।
तो आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे डिज़ाइन की स्टिचिंग कर रही हूँ, इसे कर दीजिएगा। तो मैंने पूरे गले पे डिज़ाइन की स्टिचिंग कर ली है, सॉरी लेस की स्टिचिंग कर दी है। अब इसको साइड करेंगे ब्लाउज़ को। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने देखिए बकरम कट कर दिए, जिसको डबल फोल्ड करके रख दिए। ब्लाउज़ को भी इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। अब जैसे गला है उसी बराबर पूरा मार्किंग कर लेते हैं। तो बकरम के ऊपर देखिए मैंने ये मार्क कर दिया। अब 1 इंच इसके साइड से पूरा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। ऊपर के साइड क्रॉसिंग में मार्क कर दिए, इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये बकरम की पूरी कटिंग कर दिया। अब इसको साइड करेंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट कर दी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिएगा और साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए पूरी स्टिचिंग एक साइड से इसकी कर दी। इसको साइड करेंगे। इस तरीके से मैंने एक पट्टी और कट की है, इसकी भी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी। इसको भी डबल फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने इसकी पूरी एक साइड से स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। अब इन दोनों पट्टियों की डिज़ाइन को पहले साइड करते हैं। और जो मैंने बकरम कट कर दिया था इसके लिए एक साइड से मैंने अस्तर ले लिया स्टिच करने के लिए। तो अस्तर और डिज़ाइन को देखिए दोनों बराबर रख दिए। पहले ऊपर के साइड से सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ऊपर के साइड से मैंने स्टिचिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। कॉर्नर में छोटा कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से इसको पलट लीजिएगा और पहले ऊपर के साइड से इसको बराबर कर दी, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। और इसके साथ में साइड से इसकी पूरी सिलाई लगाते हुए हम अस्तर और बकरम को पूरा स्टिच कर लिए। अब इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसे पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कटिंग करके इसमें से निकाल दिया। अब इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। तो जो ये पट्टियाँ बनाई हुई थी इस पट्टियों को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो वीडियो में आप देख रहे हैं मैं क्रॉसिंग में कैसे इन पट्टियों को स्टिच करूँ। ऐसे पूरा पट्टी जितनी भी पट्टी बकरम वाली डिज़ाइन पर आए सभी को स्टिच कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आई होगी इसे पूरा बना देते हैं। तो मैंने ये पूरा बना लिया, ये मेरा लास्ट है। इसको भी इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने देखिए इसको पूरा स्टिच कर दिया। अब इसको पलट देते हैं और इसके रॉन्ग साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को पूरा साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए जितने एरिए में बकरम का ये डिज़ाइन है उतने एरिए में पूरा सिलाई लगा के स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए साइड से सिलाई लगाते हुए पूरी स्टिचिंग कर दी। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसे पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है। मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है। ब्लाउज़ लेंगे, साथ में ब्लाउज़ और डिज़ाइन को दोनों को बराबर रख लेते हैं। और एक सिलाई लगाते हुए ब्लाउज डिज़ाइन को दोनों को साथ में स्टिच कर देते हैं। तो मैंने देखिए ब्लाउज़ और डिज़ाइन दोनों को साथ में पूरा स्टिच कर दिया है। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है डिज़ाइन। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जो ऐसा ही ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।